आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कलमी का साग। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। इस तरीके से अगर कलमी का साग अगर आप एक बारी बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरीके से कलमी का साग को खाना पसंद करेंगे। आम तौर पर इस साग को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि हमें इसको बनाने का तरीका नहीं पता होता है, इसलिए हम अक्सर ऐसे सब्जियों को स्किप कर देते हैं। ये सब्जी खाने में तो टेस्टी होती है, साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। कलमी का ये साग जहाँ पे तालाब हो या पानी के जगह पे ही पाया जाता है, यह एक जंगली साग है और इस साग को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको भारत में कलमी का साग, नारी का साग, करमू, नाली का साग और भी कई अधिक नामों से जाना जाता है। आपके यहाँ इसको किन-किन नामों से जाना जाता है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही इस साग को इंग्लिश में भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे वाटर स्पेनेंच, चाइनीज स्पेनेंच और भी अधिक नामों से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं आज की ये कलमी का साग की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। आज हम इसको नया तरीके से बनाने जा रहे हैं, वो भी आलू के साथ में। इस तरीके से आपने आज तक इस सब्जी को ना ही तो खाया होगा और ना ही तो आज तक बनाया होगा, तो एक बारी इस सब्जी को इस तरीके से जरूर बना के खाइएगा। गारंटी है आपको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। जिस तरीके से हम इस सब्जी को बनाने जा रहे हैं, यह कम से कम समय में यह सब्जी तैयार हो जाती है। साथ ही इस सब्जी को आप रोटी के साथ, चावल के साथ, टिफिन बॉक्स में, और साथ ही इसको आप मक्की के रोटी के साथ भी ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कलमी का साग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 पाव कलमी का साग, यह एक गड्ढी है। साग के हमने पहले डंडियों को अलग कर लेना है। इसकी डंडियों से एक बहुत ही टेस्टी चाइनीज रेसिपी भी बनाई जाती है, उसकी रेसिपी मैं अलग से आपको बना के शेयर कर दूंगा। फिलहाल हम इसकी पत्तियों की साग आज बनाने जा रहे हैं। तो पत्तियों को हमने अलग कर लिया है और इनको हमने 2-3 पानी से अच्छे से धो लेना है। इसको 2-3 पानी से हम धो लेंगे, उसके बाद हम कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी इसमें है वो निकल जाएगा। अब हम इसको बारीक चॉप कर लेंगे। साथ ही मैंने इसके लिए लिए हैं आधा किलो छोटे साइज के आलू। अगर आपके पास छोटे साइज के आलू ना हो आप इसके लिए नॉर्मल साइज के आलू भी ले सकते हैं। अब हमने जो छोटे साइज के आलू रखे हुए थे इनको पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, उसके बाद हमने आलू के दो दो हिस्से कर लेने हैं। साथ ही हमने लिया है 2 प्याज को हमने बारीक चॉप करके रखा है, साथ ही 2 टमाटर को भी हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। साथ ही मैंने इसके लिए लिया है 4-5 कली लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 हरी मिर्च, इनको मैंने मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसके बाद उसमें डाला है 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल में ये साग बहुत ही टेस्टी बनता है। सरसों का ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही सरसों का ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच सरसों दाना। इसको हमने क्रैकल होने के बाद इसमें हम डालेंगे जो लहसुन और हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ था। 40 से 50 सेकंड के लिए भून लेना है। जैसे ही ये भून जाएगा उसके बाद ऐड करना है इसमें प्याज। प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। तो प्याज यहाँ पे हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है पहले स्वाद अनुसार नमक, साथ ही 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको हमने प्याज के साथ ही 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेना है। उसके बाद ऐड करना है इसमें टमाटर। टमाटर को भी हमने इसके साथ अच्छे से भून लेना है, साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस मसाले को हम 5 मिनट के लिए ढक के रख लेंगे। जैसे मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा यानी कि मसाला हमारा ऑयल छोड़ देगा, तो उसमें हमने ऐड करने हैं आलू। आलू को थोड़ी देर मिक्स करने के बाद फिर ऐड करना है इसमें कलमी का साग, इसको भी हमने ऐसे मिक्स कर लेना है। कलमी का साग खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, जैसे कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही लाभदायक है। साथ ही जिन लोगों को अपच की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये काफ़ी सहायक है। साथ ही इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, त्वचा की प्रॉब्लम को ये दूर करता है और भी इसके कई सारे लाभ हैं। कलमी का साग बनाना बहुत आसान है, साथ ही ये बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आपको लगे इसमें पानी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको फिर से 5 मिनट के लिए और ढक के रख लेंगे। इसको हमने बीच बीच में उल्टा पलटी करते जाना है।
5 मिनट हो चुके हैं और आलू भी हमारे गल चुके हैं, तो यह साग बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप चाहे इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, परौंठी के साथ, साथ ही टिफिन बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। इस तरह से आपने यह साग नहीं खाया होगा, आलू के साथ यह साग की रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। साथ ही मेरे इस तरीके से एक बार इस साग को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी एस रसोई चैनल।